हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बने हुए ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों मैं तरीका सिखाऊंगा, इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्लाउज लेना है जिस नाप से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, ठीक है। उसको इस तरीके से फिनिशिंग से आपको बैठाना है, ठीक है। जिस नाप का भी आप ब्लाउज बनाएंगे उस ब्लाउज को इस तरीके से फिनिशिंग से बैठा लेना है, ठीक है, बिछाना है। अब दोस्तों कंधी की तरफ इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और आपको लंबाई नापनी, जैसे हमारी 14 इंच आ रही है और यहाँ पर दोस्तों हमारी डॉट पड़ी हुई है। डॉट पर ही दोस्तों इस तरीके से पहले नाप लेंगे खींचते हुए। हमारी डॉट जो दोस्तों पड़ी हुई है वो 9.5 इंच पर पड़ी हुई है, ठीक है। लंबाई हमारी 14 इंच है और डॉट का निशान जो है दोस्तों वो 9.5 इंच है। इस तरीके से लंबाई और डॉट का हम लिख लेंगे। इस तरीके से 14 इंच हमारी लंबाई है और डॉट हमारी 9.5 इंच है, ठीक है। हमने डॉट लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर जैसे हम इस तरीके से गले की ब्रॉड नाप लेंगे, 5.5 इंच है हमारी। और दोस्तों कंधी की तरफ हमारा बाजू की तरफ आधा इंच इंची टेप इस तरीके से निकाल के रखेंगे और इधर भी दोस्तों बाजू की तरफ आधा इंच इंची टेप निकाल के रखेंगे शोल्डर से। और दोस्तों शोल्डर जो हमारा है वो है 11 इंच, इस तरीके से 11 इंच हम शोल्डर लिख लेंगे। अब आपको गले की ब्रॉड का निशान लगाना है, गले की लंबाई का नाप लेना है। यहाँ से दोस्तों 6.5 इंच हमारा गले का नाप है। और दोस्तों इस तरीके से हम बैक नेक नापेंगे, इस तरीके से इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद अच्छे से फिनिशिंग से बैठा लेंगे और आपको बैक नेक नापना है। हमारा दोस्तों 9.5 इंच का बैक नेक है, आपका कोई सा भी हो सकता है। ये दोस्तों हमने फ्रंट हमारा 6.5 इंच है, बैक नेक हमारा 9.5 इंच है, इस तरीके से हमने नाप लिया। अब बाजू को इस तरीके से फिनिशिंग से सेट करेंगे और बाजू की लंबाई नापेंगे जहाँ से आपकी जॉइंट है। तो दोस्तों हमारी बाजू की लंबाई है 4.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से 4.5 इंच हमारी बाजू की लंबाई हो जाएगी। अब बाजू की मोहरी अच्छे से फिनिशिंग से सेट करेंगे और बाजू की मोहरी नापेंगे। बाजू की मोहरी दोस्तों हमारी है 12.5 इंच, यानी कि 12.5 इंच, 6.5 इंच इस तरीके से। अब बाजू बाइसेप्स नापेंगे, यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से नापना है आपको। और यहाँ पर यहाँ से इंची टेप रखते हुए आपको बगल तक एकदम नापना है। तो दोस्तों इसमें जो बाजू बाइसेप्स हमारा आएगा वो आएगा 7 इंच इस तरीके से। दोस्तों ये हमने नाप ले लिया। अब ओपन करेंगे हुक को और हुक को ओपन करने के बाद कमर हम नापेंगे, जहाँ से हमारे हुक लगे हुए उस तरीके से बराबर से रखने उस जगह से। और इंची टेप दोस्तों हमारा एकदम कपड़े के बराबर से रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आई की पट्टी है तो दोस्तों वहाँ तक हमारी कमर आ रही है 28.5 इंच। तो इस तरीके से हम कमर का नाप लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको चेस्ट का नाप लेना है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी हुक्काई की पट्टी लगी हुई है तो वहाँ पर दोस्तों इंची टेप इस तरीके से रखते हुए आपको इंची टेप जो रखना है वो कपड़े के बराबर से इस तरीके से रखना है, ठीक है। जैसे मैं नाप रहा हूँ उसी तरीके से ही आप नापें। दोस्तों यहाँ तक हमारा जो चेस्ट आएगी इसकी वो आएगी 36.5 इंच, आपकी दोस्तों कोई सी भी हो सकती है। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये नाप लिख लिया है सारा टोटली में। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, चेस्ट हमारी 36.5 इंच है, कमर हमारी 28.5 इंच है, शोल्डर हमारा 11 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 है, बैक नेक 9.5 इंच है, बाजू की लंबाई 4.5 इंच है, बाजू की गुलाई 12.5 इंच है, बाजू बाइसेप्स हमारा 7 इंच है और प्लेट लेंथ दोस्तों 9.5 इंच है। ये दोस्तों हमारा तैयार नाप है, इसमें हम कोई लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि दोस्तों ब्लाउज का नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों आपको कटिंग करना सिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमने अस्तर बिछा रखा है, ठीक है, नॉर्मल ओपन साइड अपनी तरफ बिछा रखा है मैंने और बंद साइड आपकी तरफ है, ठीक है। ओपन साइड आपको अपनी तरफ मैंने अपनी तरफ बिछा रखा है और बंद साइड आपकी तरफ। अस्तर नापेंगे दोस्तों, अस्तर हमारा जो है वो है हमारा 1 मीटर, 40 इंच है। तो दोस्तों 40 इंच का हमारा होता है 1 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बिछाना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको स्केल लेना है। स्केल की मदद से नीचे की तरफ से आपको निशान लगाना है, आधा इंच छोड़ते हुए आपको ये तुरपाई का निशान इस तरीके से फिनिशिंग से लगाना है। अब इधर दोस्तों जिधर हमारा ओपन साइड है उस तरफ दोस्तों हुक्काई की पट्टी का मार्जिन का निशान लगाना है। इस तरीके से किनारी को हटाते हुए, यानी कि किनारी हम कटिंग कर देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है। ये दोस्तों हमारे हुक्काई के मार्जिन का निशान लग गया। अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लंबाई का नाप देखना है। जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी 14 इंच लंबाई है, ठीक है, तो हम उसमें एक इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 इंच। इस तरीके से दोस्तों आपको निशान लगाना है 15 इंच पे। अब दोस्तों बारी आएगी हमारी आर्मो लेंथ के निशान की। जैसे हमारा 36.5 इंच साइज है तो उसमें आर्मो लेंथ जो लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे 6.5 इंच पे, ठीक है। और बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि हमारा आर्मो लेंथ किस तरीके से निकाला जाता है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं जो लगाऊंगा निशान वो लगाऊंगा 6.5 इंच पे, ठीक है, 36 इंच साइज में। अब दोस्तों डॉट का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी डॉट है उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद निशान लगा देंगे। ये इंची टेप आगे बढ़ाने के बाद सारे निशान हम सीधे कर लेंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल की मदद से ये सारे निशान दोस्तों हम सीधे कर देंगे फिनिशिंग से एक जैसे।
अब दोस्तों क्या करना है, ये हमारा डॉट का निशान है, आर्म लेंथ का निशान है, ये हमारा शोल्डर का निशान है। अब जहाँ दोस्तों आपकी डॉट का निशान लगा हुआ है उस जगह पे इंची टेप रखेंगे इस तरीके से, 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2.25 इंच पे आधा इंच ऊपर उठा के इस तरीके से निशान लगाना है। इंची टेप को आगे बढ़ाएंगे 2.25 इंच पे इस तरीके से आधा इंच ऊपर उठा के निशान लगाएंगे। अब 3.5 इंच का ही निशान दोस्तों हम नीचे लगा लेंगे इस तरीके से, और कमर का एक निशान लगाएंगे हमारे 28.5 इंच है 7.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, 1 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगा देंगे डॉट के लिए, ठीक है, दबाव के लिए। अब दोस्तों जो हमारा आर्म लेंथ का निशान है वहाँ पर दोस्तों हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसी प्रकार आपको दोस्तों निशान लगाना है। ये दोस्तों हम निशान सीधे कर देंगे, मार्जिन छोड़ते हुए आपको एक निशान लगाना है, ठीक है, हमारे निशान लग गए। अब यहाँ से दोस्तों जो मार्जिन छोड़ते हैं वो 2 से 2.5 इंच छोड़ना है आपको, ये क्रॉस में इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो निशान दोस्तों लगाएंगे दूरी पर वो लगाएंगे 3.5 इंच या 4.25 इंच पे इस तरीके से लगाना है। अब भी सेंटर की डॉट का निशान इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर दोस्तों ये भी क्रॉस में निशान लगा देंगे। ये दोस्तों हम निशान डार्क कर लेंगे डॉट के, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, जहाँ पर अब आपकी आर्म लेंथ का निशान लगा उस जगह पे दोस्तों हमारी होती है फ्रंट क्रॉस, तो फ्रंट क्रॉस दोस्तों इसमें रखेंगे 5.5 इंच, ठीक है, 1.25 इंच आगे बढ़ा के इस तरीके से निशान लगाएंगे। और दोस्तों ये हमारे निशान लगे। अब दोस्तों शोल्डर का निशान लगाएंगे, जितना भी आपने नाप लिया है वो दोस्तों फिक्स शोल्डर का निशान इस तरीके से 5.5 इंच पे लगा देंगे। जैसे हमारे 11 इंच है तो 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। गले ब्रोड का निशान लगाएंगे दोस्तों 3.25 इंच पे। ये दोस्तों आर्मोल का निशान इस तरीके से सीधा कर देंगे, पहले फ्रंट क्रॉस में फिर बैक क्रॉस में। अब दोस्तों यहाँ पर आर्मोल की शेप दे देंगे, फ्रंट क्रॉस की पहले देंगे फिर उसके बाद बैक क्रॉस की आर्मोल की शेप दे देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर एक प्लेट का निशान लगाना है, यहाँ की जहाँ हमने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया था उस जगह पे दोस्तों डॉट का निशान लगा देंगे। जितनी हमने तीनों प्लेटों में मार्जिन दिया उतना ही दोस्तों गैपिंग देते हुए आपको निशान लगा देना। अब दोस्तों गले की लंबाई में जितनी आपकी गले की लंबाई है उसमें 1/2 इंच प्लस करने के बाद गले का नाप लेते हुए निशान लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे हमने निशान लगा दिए। इसमें दोस्तों मैं गोल गले की शेप दे दूंगा, आप दोस्तों कोई सी भी शेप देकर गला कटिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने सारे निशान लगा दिए। अब दोस्तों जिस नाप से मैंने आपको नाप लेना सिखाया है उसी नाप से ही आपको ये सारे निशान लगा दिए। आपका दोस्तों कोई सा भी नाप हो सकता है लेकिन आपको नाप अपना ही रखना है, ठीक है, कटिंग मेरे हिसाब से करनी है लेकिन आपको नाप अपना ही रखना है। इस तरीके से दोस्तों कटिंग कर देंगे, यहाँ पर गोल गले से ही कटिंग कर देंगे। अगर आप बुकरम पे गला बनाएंगे तो दोस्तों गला कटिंग ना करें, इस तरीके से शोल्डर से ही कटिंग करेंगे सीधा। अब यहाँ पर दोस्तों बैक क्रॉस का जो हमने आर्मोल का निशान लगाया है वहाँ से कटिंग करेंगे, इस तरीके से हम फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, अब आपको बैक पल्ला कटिंग करके दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये हमारा बंद साइड जो आपकी तरफ बिछा हुआ है वो दोस्तों कर लेंगे हम अपनी तरफ, ठीक है, इस तरीके से अपनी तरफ हम बिछा लेंगे। अब इसी पे दोस्तों जो आपका फ्रंट पल्ला है उसको फिनिशिंग से सेट कर देंगे इस तरीके से। हुकाई के मार्जिन का जो है दोस्तों उसे एक्स्ट्रा वो बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे। अब दोस्तों इसे सबसे पहले ऊपर गले के ब्रोड का निशान लगाएंगे, जो हमने फ्रंट पर लगाया है वही लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों कैंची की मदद से दोस्तों जो हमारा फ्रंट सेंटर का जो डॉट का निशान लगा उसे दोस्तों इस तरीके से लगा देंगे। अब नीचे भी दोस्तों निशान इस तरीके से लगा देंगे, लंबाई से दोस्तों 1/2 इंच उठा के इस तरीके से निशान लगाने, इधर भी दोस्तों हम निशान लगा लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, फ्रंट पल्ले के बराबर से ही बैक पल्ले को कटिंग कर देंगे फिनिशिंग से। अगर दोस्तों शोल्डर और आर्मो लेंथ निकालना सीखना हो दोस्तों किस साइज में कितना लें, तो दोस्तों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सीख सकते हैं शोल्डर और आर्मो लेंथ निकालना किसी भी साइज का। अब दोस्तों यहां से फ्रंट पल्ला हटा देंगे और फ्रंट पल्ले के जो आर्मोल की शेप दी है वो दोस्तों कटिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये फ्रंट पल्ला कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो निशान लगाया है हमने कैंची की मदद से उसे दोस्तों स्केल की मदद से एकदम सीधा कर देंगे और यहाँ डॉट का निशान लगा देंगे। ये भी दोस्तों लंबाई का निशान एकदम सीधा कर देंगे, यहाँ से मार्जिन देते हुए आपको तुरपाई का फोल्ड का निशान लगाना और इसे कर देंगे कटिंग इस तरीके से। दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको गले की कटिंग करनी है। जितनी भी आपकी गले की लंबाई हो उसमें 1/2 इंच प्लस करने के बाद आपको गले की कटिंग करनी है। जैसे हमारी 9.5 इंच है, 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पर 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे निशानों को कर देंगे सीधा। ये दोस्तों हमने निशान सीधा करना है। अब यहाँ पर हम गोल गले की शेप दे देंगे, आप दोस्तों कोई सा भी पॉइंटेड गला बना सकते हैं। अगर दोस्तों आप बुकरम पे गला बनाएं तो दोस्तों गले की कटिंग ना करें, ठीक है, इस तरीके से आपको गला कटिंग कर देना है। ये दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया और ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, ठीक है। बैक और फ्रंट पल्ले हमने कटिंग करके आपको दिखा दिए हैं। अब दोस्तों आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे इस तरीके से। दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, अब क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ से आपको फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करना है। इसमें आपको लंबाई नापनी है बाजू की कि हमारी बनेगी या नहीं, हमारी दोस्तों नॉर्मली बन जाएगी। अब ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों बाजू बाइसेप्स का निशान लगाएंगे, जैसे कि 3.5 इंच हमने नापा है तो दोस्तों 3 भी रख सकते हैं आप, 3.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई हो उस तरीके से 1/2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये सारे दोस्तों निशान हम कर देंगे एकदम सीधे इस तरीके से। फिनिशिंग से आपको निशान सीधे करने हैं,
अब क्या करना है दोस्तों, आपको जहाँ बाजू बाइसेप्स का निशान लगा है उसी जगह पे दोस्तों बाजू बाइसेप्स रखना है, यानी कि जहाँ हमने आर्मो लेंथ का निशान लगाया उस जगह पे बाजू बाइसेप्स रखनी है। यहाँ पर हमारी मोहरी का निशान लग जाएगा, इस तरीके से ये निशान सीधे कर देंगे, मार्जिन देते हुए हम निशान सीधा कर देंगे। यहाँ पर आर्मोल की शेप देते हुए बाजू को कर देंगे कटिंग, इस तरीके से ये सारे निशान लगाने के बाजू कटिंग कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारी बाजू कटिंग हो गई, ऊपर एक कुटका लगाएंगे, नीचे भी दोस्तों इस तरीके से आपको कुटका लगाना है, जहाँ पर हमने तुरपाई का मार्जिन छोड़ रखा है उस जगह पे इस तरीके से कुटका लगाना है। अब यहाँ पर हमारा बंद बाजू है तो इसको कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो जाएगी, अब इसे करेंगे ओपन, इस तरीके से फिनिशिंग से आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बाजू की गहराई कटिंग करेंगे, जैसे यहाँ से कम लेंगे ठीक है, और बीच सेंटर पे दोस्तों हम पौन इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से दोस्तों कम रहेगा, यहाँ पर हमारा पौन इंच का मार्जिन हो जाएगा। इस तरीके से बाजू की फ्रंट कटिंग कर देंगे ठीक है। ये हमारी बाजू कटिंग हो गई, ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया, फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, और दोस्तों ये हमारा खर्चा बचा है, इसमें दोस्तों हमारी गला वगैरह बनाने काम आएगा ये खर्चा। ये दोस्तों हमने नाप जो भी लेके दिखाया था उसी नाप से ही आपको कटिंग करना सिखा दिया। आपका दोस्तों कोई सा भी नाप होगा, लेकिन आप जैसे मैंने सिखाया है, लेकिन उस जगह पे आपको अपना नाप रखना है और वैसे ही आपको कटिंग कर देनी है। किसी भी साइज की इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।